तो साउथ की तरफ से एक और धमाका आ गया, बोले तो कनप्पा का टीजर आ गया। जी हाँ, बहुत दिनों से हम भी और आप भी सुन सुन कर थक गए थे कि कनप्पा का टीजर आ रहा है, बट बीच में लोचा हो गया था भाई। बट फाइनली आज टीजर आ गया। तो मैंने इस फिल्म को धमाका क्यों बोला, क्योंकि भाई ये छोटी मोटी पिक्चर नहीं होने वाली। जी हाँ, क्योंकि इसमें बड़े बड़े एक्टर का बोलबाला होने वाला है। सबसे पहले तो कनप्पा का लीड एक्टर विष्णु मांचू, वही इसके अंदर अपने डार्लिंग प्रभास और फिर खिलाड़ी भाई यानी अक्षय कुमार भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये कनप्पा कौन है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर टीजर पर आते हैं। और हाँ, एक और चीज, इसके अंदर अक्षय कुमार को ही क्यों कास्ट किया गया, इसके पीछे की गजब की कहानी है। तो सबसे पहले कनप्पा की कहानी जान लेते हैं, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, एक शिकारी होता है जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, जिसको ये पता नहीं होता कि आखिर पूजा कैसे की जाती है। तो वह शिवलिंग पर रोज मांस चढ़ाता है और शिवलिंग को धोने के लिए मुंह से पानी शिवलिंग पर फेंकता है। बट एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शिवलिंग की आंखों से खून बहने लगता है। अब कनप्पा यानी शिकारी उस खून को बहने से बहुत रोकता है, बट वह नहीं रुकता। तो शिव भक्त कनप्पा अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है। सोचो, इतना बड़ा भक्त, तो कनप्पा में भी उसी शिव भक्त की कहानी देखने को मिलेगी, बट कुछ इधर उधर की चीजों को दिखाकर। तो इधर उधर की बातों को गोली मारो, सीधा टीजर पर आते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है, कुछ जंगली डाकू है, शिकारी भी बोल सकते हो, उन्हें शिव भक्त कनप्पा मार देता है। और बात तो तब आगे बढ़ती है कि उसमें मेन विलन का भाई भी होता है, जिसे कनप्पा मार देता है। बस यही से खून खराबा चालू और फिर कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जितने भी सीन दिखाए गए ना, सब रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं, तो देखने में भी मजा आता है। वहीं फिर विष्णु मांचू यानी कनप्पा की भी झलक देखने को मिलती है। उसके बाद जो दिखता है ना, टोटल तबाही, प्रभास की एक झलक, वो भी सिर्फ आंखों की। उसके बाद अक्षय कुमार भगवान शिव के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, बट पूरा फेस रिवील नहीं किया जाता है। फिर भी पता चल जाता है कि वही OMG 2 वाला लुक देखने को मिलेगा, जबकि अक्षय कुमार भगवान शिव के रोल में फिट नजर आते हैं। पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बॉलीवुड से अक्षय कुमार को ही क्यों अप्रोच किया गया है, जबकि उनका कैरियर इस समय डगमगाया भी है। बट इसका जवाब खुद टीजर देता है, क्योंकि कनप्पा के अंदर जो अक्षय कुमार का लुक रखा गया ना, वो एकदम OMG 2 वाला लुक है। तो पब्लिक ने OMG 2 में अक्षय कुमार के लुक को काफी पसंद किया था, इसलिए अक्षय कुमार को इसलिए लिया गया। हाँ, घबराइए मत, सिर्फ 10 से 5 मिनट का रोल होने वाला है। तो ओवरऑल टीजर बहुत छोटा सा था, लगभग 1.5 मिनट, तो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल इसके ट्रेलर का इंतजार करते हैं। वैसे कनप्पा का टीजर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।